हमारे साथ पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। सर, वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई, क्या किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर? देखो, जो मुद्दे हैं वो तो आप जानती हो, जो इलेक्शन के मुद्दे थे वही हमारे मुद्दे हैं। बेसिकली इसी में यही बात हुई कि वो जो हमने मुद्दे उठाए थे, सारे देश ने हमें बहुत हद तक सपोर्ट किया है। उन मुद्दों पर हमने पार्लियामेंट में भी पूरा जोर लगाकर उनको सफल बनाना है। जैसे अग्निवीर का है, सारे देश को हमने वचन दिया था कि इसको स्क्रैप कराएंगे, एंड देयर इज ऑलरेडी प्रेशर ऑन द प्राइम मिनिस्टर। तो हमने कहा कि उन इश्यूज को, MSP का इशू है किसानों का, कॉन्स्टिट्यूशन का इशू था, जो कास्ट की वो है उसका, उसके इश्यूज हैं, तो ये सारे जो कास्ट बेस्ड उसका करना, तो ये सारी बातें वहाँ डिस्कस हुई हैं कि इन मुद्दों पर पूरा गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाकर रखना, सो दैट आते महीनों में हम इन पर कामयाबी ले पाए। राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन बने, इस बात की मांग? और डेफिनेटली मांग तो सभी ने की है, यूनैनिमस मांग है, अब फैसला तो राहुल जी ही सुनाएंगे। एक सवाल सर, पंजाब में इस बार जो नतीजे आए वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा मोरल बूस्ट हुआ है, क्या वजह मांगते हैं आप? देखो, ऐसा है कि मैंने पहले भी बता रखा है, तकरीबन 2/3 ऑफ पंजाब जो है वो बेसिकली सेकुलर पार्टीज़ को और नेशनलिस्ट पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को वोट डालना चाहता है, तो इसमें मेजॉरिटी फिर हमारी आई है, क्लोजली फॉलोड बाय दी देन एक डिस्टेंट फॉलोड बाय दी आप है जी। और ये देखिए, ये ओनली स्टेट है जहाँ अकाली दल को एक ही सीट मिली है और BJP का खाता भी नहीं खुला जी, तो जो हम कहते थे वही सच हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ नहीं अलायंस करने का कांग्रेस को फायदा हुआ पंजाब में? आपको नजर नहीं आ रहा जी? मैं आपसे और दिल्ली में हुआ, उसका नतीजा भी सामने है, पंजाब में नहीं हुआ, वो भी आपके सामने है जी। लेकिन पंजाब के लोगों ने जो मैंडेट दिया, दो ऐसी सीटें हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी, अमृतपाल सिंह और वो, देखो वो जो BJP ने पोलराइजेशन की, एक सेक्शन को पोलराइज किया, उसकी काउंटर पोलराइजेशन होनी थी, उसका नतीजा है ये जो कुछ भी हुआ है। अगर फ्रिंज एलिमेंट उठा है, ये BJP और इनकी एजेंसीज का काम है जी, और मैं इनको सीधे तौर इसका जिम्मेवार ठहराता हूँ। धन्यवाद प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, नेता प्रतिपक्ष, साफ तौर से ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होने का बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को पंजाब में हुआ। कैमरान फिरोज के साथ अजय झादन, सवेरा दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।